तो दोस्तों बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 40 पे किस सुपरस्टार ने चैलेंज किया है, किसने कहा है कि मैं द रॉक से बदला लेना चाहता हूं, और कोडी रोड्स का रेसलमेनिया पे किसके खिलाफ मैच हो सकता है अगर रोमन रेंग्स के खिलाफ वो मेन इवेंट नहीं कर पाए। इस वीडियो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग। दोस्तों मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों आपको याद होगा कि ब्रॉक लेसनर काफी टाइम से WWE में नहीं आए, पर रेसलमेनिया पे उनके मैचेस के चर्चे हमेशा रहते हैं। वैसे माना जाता है कि गुंटर वर्सेस यानी कि रिंग जनरल वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच रेसलमेनिया 40 पे होना है, पर साथ में ही दोस्तों WWE के कैथलिक वॉरियर शेमस भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ जल्दी कोई एक मैच हासिल कर सके। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, ब्रॉक लेसनर के लिए एक तरीके से ये मैसेज ही मान के चलिए कि शेमस की वाइट नॉइस फिनिशर ब्रॉक लेसनर के जर्मन सुप्लेक्सेस से बेहतर है। और ये फैक्ट्स हैं। शेमस ने ये अपने हाउस शो के मैच के क्लिप पे कहा, जहां पे वो ब्रॉक लेसनर से पहली बार भिड़े थे। इस मैच में शेमस हारे भी थे, पर शायद हमें इन दोनों के बीच में रंबल के मैच में ही एक पूरी बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, 30-मैन बैटल रॉयल में भी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रूमर चल रहा है कि अगर द रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रेसलमेनिया 40 पे होता है, तो इसका मतलब कोडी रोड्स मेन इवेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों कोडी रोड्स फिर मैच किसके खिलाफ खेलेंगे, क्योंकि कोडी रोड्स का मैच भी एक बड़ा मैच है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेंडी ऑर्टन वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 पे फेस कर सकते हैं विद और विदाउट एनी चैंपियनशिप। इसके बाद दोस्तों बड़ी खबर, आप जानते ही होंगे कि जिंदर महल की रिटर्न के साथ द रॉक की भी रिटर्न हुई थी। स्पॉटलाइट जिंदर महल को मिलनी थी, पर द रॉक उनकी स्पॉटलाइट के साथ उनकी पिटाई भी कर गए थे। जिंदर महल दोस्तों हमें रीसेंट इंटरव्यू में कहते हुए दिखे कि द रॉक और उनके बीच में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और शायद वो दोनों एक ही रिंग में हमें जल्द ही देखने को मिले। जिंदर महल ने यहाँ तक कहा कि वो द रॉक से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रिटर्न की स्पॉटलाइट द रॉक खा गए। तो दोस्तों शायद जिंदर महल के दिमाग में द रॉक के खिलाफ एक मैच है। अगर हो सकता है एक क्विक मैच हमें देखने को मिले तो मजा आ जाए। वैसे सेथ रोलिंग्स वर्सेस जिंदर महल का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच अगले हफ्ते भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है कि जिंदर महल की ये वाली रिटर्न उनके लिए कामयाबी लेकर आएगी या नहीं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैसी वीडियोस के लिए हमारे नोटिफिकेशन की बेल भी बजा दीजिएगा।